हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन फ्रॉम द जेईई मेंस 2022 व्हिच इज बेस्ड ऑन द टॉपिक डी ब्रॉय वेवलेंथ एंड वी कैन से द कॉम्बिनेशन ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ प्लस इलास्टिक कोलिजन। ओके, सो एज यू कैन सी गाइस, दिस क्वेश्चन आस्क इन द जेईई मेंस 2020 इन द मॉर्निंग शिफ्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल ए ऑफ मास m by 2 moving along the x axis with velocity v naught collides elastically with another particle b at rest having a mass m by 3. So guys, this collision is elastic. Okay, if both the particle moves along the x axis after the collision, the change delta lambda in de Broglie wavelength of particle A in terms of de Broglie wavelength before the collision is ओके सो इस क्वेश्चन को हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं क्या बोल रहा है। तो पहले की जो तीन लाइन है उसमें क्या बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल है, यहाँ पे मैं बता चलता हूँ ना, एक पार्टिकल है ए। ओके, एक पार्टिकल है ए, उसका मास क्या है m by 2 मास है। ओके, मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी वी नोट। ओके, ये वी नोट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और यहाँ पे दूसरा पार्टिकल बी है जिसका मास कितना है, मास कितना है बी का, m बाय 3 है। अच्छा, ये दोनों में क्या हुआ, इलास्टिक कोलिजन हो गया। इलास्टिक कोलिजन मतलब मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा एंड जो अपना एनर्जी है वो भी कंजर्व रहेगी, और इन इलास्टिक में केवल मोमेंटम कंजर्व रहता, काइनेटिक एनर्जी नहीं कंजर्व होगी। लेकिन यहाँ पे जो कोलिजन है वो इलास्टिक हो रहा है, मतलब इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होगा। ओके, तो अगर कोलिजन इलास्टिक हो रहा है तो वो अलग अलग सेपरेटली चल रहे हैं। और क्वेश्चन में बोला है इफ बोथ द पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस आफ्टर द कोलिजन, मतलब दोनों ही एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं। और यहाँ पे गाइस, जो बी को रेस्ट पे बोला गया, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, जीरो दी गई है, और ए वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आफ्टर द कोलिजन क्या हुआ, ए और बी दोनों ही एक्स एक्सिस में जा रहे हैं। ओके, सो ए का मास कितना है, m बाई टू। लेट से ये वी ए वेलोसिटी से जा रहा है ना, और यहाँ पे जो बी है उसका मास लेट से वो तो दिया ही m बाय 3 है, और लेट से ये वी बी वेलोसिटी से जाएगा आफ्टर दी कोलिजन, द कोलिजन इज इलास्टिक। ओके, बी ये m बाय 3, वी बी वेलोसिटी से जा रहा है। अब हमें क्या पूछा है, अब देखो ये बोथ द पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस आफ्टर द कोलिजन। ओके, एक्स एक्सिस मूव करे आफ्टर द कोलिजन, द चेंज डेल्टा लैम्ब्डा इन डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल ए, मतलब क्या करना है कि ए की जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है उसमें चेंज निकालो, यही बोला ना, इफ द चेंज डेल्टा लैम्ब्डा इन द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल ए, मतलब ए की जो वेवलेंथ में चेंज हुआ वो निकालो, उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा लैम्ब्डा। और ये चेंज कैसे निकालेगा, निकालेंगे मतलब लैम्ब्डा फाइनल माइनस लैम्ब्डा इनिशियल। भाई लैम्ब्डा इनिशियल तो क्या है, यही है लैम्ब्डा इनिशियल। हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं लैम्ब्डा का क्या फॉर्मूला होता है, लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी होता है। तो अगर लैम्ब्डा इनिशियल हमको कैलकुलेट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, लैम्ब्डा इनिशियल को लेट से लैम्ब्डा नॉट बोलते हैं ना, लैम्ब्डा नॉट इक्वल टू, वहां पे दिया भी है क्वेश्चन, देखो आप इन टर्म्स ऑफ इट्स डी ब्रॉय वेवलेंथ बिफोर द कोलिजन, मतलब जो बिफोर द कोलिजन ए है वहां पे दिया है उसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्ब्डा नॉट है। ओके, हमको यहाँ पे लैम्ब्डा नॉट दिया है क्वेश्चन में, तो लैम्ब्डा नॉट क्या होगा, एच अपॉन m बाई टू, क्योंकि मास कितना है इसका, m बाई टू है, तो m बाई टू मतलब टू पर जाएगा एन वी नॉट। सो ये इनिशियल है। अब हमको चेंज अगर चाहिए तो लैम्ब्डा फाइनल पता करना पड़ेगा, और लैम्ब्डा फाइनल पता करने के लिए हमको वी ए पता करना पड़ेगा। ओके, सो अब हम वी ए कैसे निकाले, यहाँ पे देखो, अब कोलिजन क्योंकि इलास्टिक है, तो इलास्टिक कोलिजन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते, तो इसको लगाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, मतलब मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू मोमेंटम फाइनल। ओके, द मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो इनिशियली जो मोमेंटम यहाँ पे m बाय टू वी नॉट, और इसका तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये रेस्ट पे था, जीरो इज इक्वल टू m बाय टू, सिंस ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन x एक्सिस में ले रहे हैं। ओके, वी ए प्लस m बाय थ्री वी वी। ओके, अब देखो m से m कट जाएगा, यहाँ से क्या आ रहा है, वी नोट बाई टू इज इक्वल टू वी ए बाय टू प्लस वी बी बाय थ्री। ओके, इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोलते हैं। अब देखो हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे वी ए फाइंड करना था, तो अब वी बी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, है ना, वी बी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी तो वी ए इस टर्म में आएगा।
ओके सो अब वीबी को एलिमिनेट कैसे, इसके लिए हमको दो इक्वेशन चाहिए होगी। तो आप यहाँ पे अगर कोलिजन इलास्टिक है तो हम लोग क्या लगा सकते हैं यहाँ पे कि जो ई का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो सेपरेशन क्या हो जाएगा, v2 minus v1 डिवाइड बाय u1 minus u2, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बताओ v2 मतलब ये यहाँ पे क्या वेलोसिटी vb है, तो यहाँ पे vb माइनस va, va यहाँ पे va इज इक्वल टू u1, u1 मतलब v0 माइनस u2, u2 तो रेस्ट पे था इनिशियली तो जीरो। अब यहाँ पे देखो E की वैल्यू 1 होगी क्योंकि कोलिजन कैसा इलास्टिक है, अगर E की वैल्यू 1 होगी यहाँ से तो देखो क्या बन जाएगा इक्वेशन, V नॉट इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इक्वेशन 2। सो गाइस अब हमें इस इन दो इक्वेशन से वी ए की वैल्यू चाहिए, ओके वी ए फाइंड करना है हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि वी बी को एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ से इक्वेशन 2 से वी बी की वैल्यू निकालेंगे दैट इज वी नॉट प्लस वी ए, उसको इक्वेशन 1 में रखेंगे। सो लेट्स से क्या देखते क्या होता है ना, V नॉट की वैल्यू हम यहाँ से VB की वैल्यू उठा के रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 हो जाएगा V नॉट बाय 2 प्लस VA बाय 2 प्लस VB की वैल्यू क्या होगी यहाँ से V नॉट प्लस VA, ओके यहाँ पे रख देंगे V नॉट प्लस VA बाय 3, ओके V नॉट प्लस VA बाय 3। अब हम यहाँ से VA निकाल सकते हैं, तो वी ए कैसे निकालेंगे, वी नॉट बाई 2 और ये वी नॉट बाई 3 इधर आ जाएगा, वी नॉट बाय 3 हो जाएगा इज इक्वल टू वी नॉट बाई 2 प्लस वी नॉट बाय 3 रीच सॉरी वी ए बाई 2 है ना, वी ए बाई 2 प्लस वी ए बाय 3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ये 3 वी नॉट माइनस 2 वी नॉट दैट इज वी नॉट बाय 6 इज इक्वल टू 3 वी ए प्लस 2 ए दैट इज 5 वी ए बाय 6, सो 6 से 6 कट गया। सो जो वी ए की वैल्यू आ रही है यहाँ से वी ए हमको मिल जाएगा, वी ए की वैल्यू आ रही है वी नॉट बाय 5, मतलब यहाँ पे जो ए मूव करेगा वो वी नॉट बाय 5 वेलोसिटी से मूव करेगा, और वी नॉट क्या था इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए है ना, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी वी नॉट बाय 5। तो इस तरीके से वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी, तो हमको चेंज निकालना था, तो डेल्टा लेमडा हम लोग कैसे निकाल, लेमडा फाइनल माइनस लेमडा इनिशियल, क्योंकि लेमडा इनिशियल तो पता चल गया था क्योंकि वेलोसिटी पता है मास पता है, तो हमने लेमडा इनिशियल निकाल लिया, लेकिन लेमडा फाइनल के लिए हमको वीए निकालना था और हम वीए कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके अब हम क्या निकाल सकते हैं लेमडा फाइनल, सो लेट्स फाइंड लेमडा फाइनल, लेमडा फाइनल क्या हो जाएगा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, तो एच और मास कितना है, मास तो भाई एम बाई 2 ही है, ए का मास कितना है एम बाई 2, सो एम बाय 2 और यहाँ पे सॉरी एम बाय 2 और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ए की फाइंड कर चुके हैं वी नॉट बाय 5, तो वी नॉट बाय 5, तो ये क्या हो गया 10 एच बाय एम वी नॉट। ओके सो लेमडा फाइनल भी मिल चुका है और लेमडा इनिशियल भी मिल चुका है, अब हम क्या निकाल सकते हैं चेंज इन लेमडा निकाल सकते हो, डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइनल माइनस रिजल्ट, तो देखो 10h कितना है फाइनल 10h बाय mv नॉट माइनस लेमडा इनिशियल कितना है, लेमडा इनिशियल यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किए 2h बाय mv नॉट। सो यहाँ पे चेंज इन वेवलेंथ कितना आ रहा है, 10 में से 2 कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8h बाय mv नॉट। अब गाइस क्वेश्चन में देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया, देखो लास्ट लाइन क्वेश्चन की पढ़ो, ओके मैं पूरा पढ़ देता हूँ यहाँ पे, इफ बोथ द पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस, ओके वो तो सही था, आफ्टर द कोलिजन द चेंज डेल्टा लैम्डा, द चेंज डेल्टा लैम्डा इन द डी ब्रॉली वेवलेंथ ऑफ ए, द चेंज डेल्टा लैम्डा इन द डी ब्रॉली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल ए इन टर्म्स ऑफ डी ब्रॉली वेवलेंथ लैम्डा नॉट बिफोर द कोलिजन, मतलब हम तो चेंज तो फाइंड कर चुके कि ए की वेवलेंथ में कितना चेंज हुआ, इनिशियल चेंज कैसे निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज तो हम लोग निकाल चुके कि ए की वेवलेंथ में कितना चेंज हुआ, अब हमको उस चेंज को क्या निकाला इन टर्म्स ऑफ डी ब्रॉली वेवलेंथ बिफोर द कोलिजन, मतलब उस चेंज को इन टर्म्स ऑफ डी ब्रॉली वेवलेंथ बताना है इनिशियली, तो चेंज तो निकल चुका है, अब इस चेंज को हमको लेमडा नोट की टर्म में एक्सप्रेस करना है। ओके सो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अब ध्यान से देखो जो लेमडा नोट है उसमें मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं, इसमें मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 8h अपॉन mv नोट हो जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा डेल्टा लेमडा के। ओके
सो आप ध्यान से देखो इसको, लेमडा नोट को मैं चार से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8H अपॉन mu नोट हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा लेमडा के। ओके, या यहाँ पे सिंपली ऐसा भी बोल सकते कि इसको हम लोग क्या लिखे, 4 into 2H अपॉन mu नोट, इसको सिंप्लीफाई करके 8 को 4 into 2 लिख सकते हैं। अब ये देखो टर्म, ये टर्म क्या हो गया, ये टर्म किसके बराबर हो गया, लेमडा नोट के। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 4 लेमडा नोट। ओके, 4 लेमडा नोट यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपना, डेल्टा लेमडा जो चेंज इन वेवलेंथ है ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेवलेंथ ऑफ ए हमने फाइंड कर चुके, क्या आ जाएगा, 4 लेमडा नोट। सो गाइस, हियर क्वेश्चन इज कंप्लीट एंड वी गॉट आवर करेक्ट आंसर इज दैट इज 4 लेमडा नोट। सो होप यू ऑल गॉट इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए डू व्हाट यू वांट टू डू बट डोंट ट्रबल योर मॉम।